नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में साइकोलॉजी में पढ़ रहे थे SR थ्योरी के सिद्धांत, अब हम पढ़ेंगे SOR थ्योरी। तो SR थ्योरी कहती है कि आप यदि कोई स्टिमुलस उद्दीपक निश्चित कर देते हो तो उस उद्दीपक को हासिल करने के लिए प्राणी है वो निरंतर अनुक्रिया करता है और इस प्रकार से उसके अनुबंध हो जाता है और उसको अधिगम हो जाता है। जबकि SOR थ्योरी कहती है कि कोई भी प्राणी उसी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करता है अर्थात अनुक्रिया करता है जिसके लिए उसको क्या हो, ज्ञान हो। तो SR थ्योरी को SOR थ्योरी में बदलने का जो श्रेय है वो जाता है वुडवर्थ को। ठीक है, वुडवर्थ को। तो अब इस थ्योरी को हम समझेंगे। SR थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट थी, आज SOR थ्योरी अर्थात संज्ञानवाद है वो शुरू है। ठीक है, तो SOR थ्योरी के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। S का मतलब स्टिमुलस, O का मतलब ऑर्गेनिज्म, R का मतलब रेस्पॉन्स, O ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। आगे बात समझ में। अब देखिए, वुडवर्थ पहले विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी प्राणी जब किसी क्रिया को किसी उद्दीपक के प्रभाव से करता है तो उस प्रभाव का आना उसके बारे में ज्ञान का होना दर्शाता है, अर्थात जिस उद्दीपक का पहले से ज्ञान होता है उसी का प्रभाव संभव है। इसलिए कहा जाता है कि वुडवर्थ ने SR सिद्धांत को SOR सिद्धांत के रूप में बदल दिया था। ठीक है, तो ये है SOR थ्योरी। अब देखिए, इसका जो SOR थ्योरी है इसको संज्ञानवाद, ठीक है, तो अब इसमें गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत आता है। ठीक है, कि भाई गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत क्या है, किसने दिया। तो गेस्टाल्टवाद शुरू होता है 1912 ईस्वी से। तो इसको लेकर क्या स्टोरी है, क्या सीन है, इसको देखिए। गेस्टाल्टवाद का जनक है वो मैक्स वर्दीमर को माना जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैक्स वर्दीमर को माना जाता है जिन्होंने सबसे पहले 1912 ईस्वी में जर्मनी में गेस्टाल्ट स्कूल की क्या की थी, स्थापना की थी और कहा कि कोई भी प्राणी प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता। केवल ये नहीं है कि केवल वो प्रयास कर रहा है त्रुटियाँ हो रही है, फिर प्रयास कर रहा है फिर त्रुटियाँ होती है, केवल वैसे नहीं सीख सकता है। तथा आणविक विचारधारा का भी इनके द्वारा विरोध किया गया था। आणविक विचारधारा यही थी कि मतलब उसमें बुद्धि का कोई रोल नहीं था, कि बस प्रैक्टिस करो परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इन्होंने थोंडाई के प्रयास व त्रुटि के विचार को तथा विलियम वुंट व टिचनर के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विचारों का क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, तो मैक्स वर्दीमर के विचारों को प्रमाणित करने का श्रेय किसको जाता है, मैक्स वर्दीमर ने जो थॉट दी थी कि भाई केवल प्रयास और त्रुटि से ही नहीं सीखा जाता है, इसमें मतलब संज्ञान का बुद्धि का रोल होता है, इस सिद्धांत को मैक्स वर्दीमर ने सिद्धांत दे दिया। लेकिन इसको प्रमाणित किसने किया, तो प्रमाणित किया था वोल्फगंग कोहलर ने किया था और जिन्होंने प्रयोगकर्ता की भूमिका निभाई थी और 1913 से 18 ईस्वी के बीच में क्या किए थे, इन्होंने प्रयोग किए थे। और इनका प्रयोग है वो सुल्तान नाम के वन मानुष पर था। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्स वर्दीमर के प्रयोग, पहली बात तो मैक्स वर्दीमर के विचारों को प्रयोगात्मक रूप किसने दिया, वोल्फगंग कोहलर ने। वोल्फगंग कोहलर ने किस पर किया था, तो सुल्तान नामक चिंपेजी पर अर्थात वन मानुष पर प्रयोग किया था और ये प्रयोग केनेडी द्वीप पर किया था और वोल्फगंग है वो पेशे से क्या थे, एक सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, तो प्रयोगकर्ता वोल्फगंग कोहलर हो गए। और गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है कुर्त कोपका को। तो कोपका ने क्या किया था, इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था और 1925 ईस्वी में इसके लिए अभिलेख एवं शोध पत्र प्रस्तुत किया था, किसने, कोपका ने। तो कोपका ने व्यवस्थित रूप से 1925 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और इसके लिए अभिलेख और शोध पत्र का क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति वस्तु को समग्रता के आधार पर मतलब संपूर्णता के आधार पर देखता है। ठीक है, तो संपूर्णता के आधार पर किस प्रकार है, तो उसके लिए ये एक प्रयोग था। ठीक है, और गेस्टाल्ट का सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूर्ण से अंश की ओर कैसे, कि व्यक्ति पहले पूरी कोई भी समस्या होती है या कोई भी चीज़ होता है उसको पूर्णता के आधार पर देखता है। जैसे आप सबसे पहले पूरे सिलेबस को मोटे मोटे तौर पर कर लेते हो फिर उसकी बारीकियों पर ध्यान देते हो, ऐसे। तो इसके लिए इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का क्रम भी बताया कि भाई एक प्राणी किस प्रकार सीखता है। तो उन्होंने कहा पूर्व ज्ञान के बाद में सूझ होती है, पूर्व ज्ञान के कारण सूझ उत्पन्न होती है, सूझ से नया अनुभव होता है और फिर अधिगम होता है। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग भी बताया कि उदाहरण भी बताया कि जैसे मान लो एक प्राणी है वो सीधे ये रास्ता था, इस पर जा रहा था एक आदमी जा रहा था, ठीक है, उसको सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया।
तो उसके दिमाग में अब जान बचानी थी, तो उसके दिमाग में पूर्व ज्ञान था कि पेड़ पर चढ़कर जान बचाई जा सकती है, ठीक है, और पास में पेड़ भी था। फिर उसकी अचानक सूझ उत्पन्न हुई। ये अचानक पैदा होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? सूझ कहलाती है। सूझ, इसकी सूझ उत्पन्न हुई कि चलो चढ़ जाओ, और ये तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया या बैठ गया। तो इसको नया ज्ञान हुआ। इस नए ज्ञान को आहा अनुभव कहते हैं। नया ज्ञान ये हुआ कि इतने दिन तो दिमाग में केवल थ्योरी थी कि पेड़ पर चढ़कर जान बचाई जा सकती है, लेकिन बाद में रियल में रियलाइज हुआ कि हाँ, यहाँ पर चढ़कर जान बचाई जा सकती है। और इस प्रकार इसको इस चीज़ का अधिगम हो गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, मतलब इसको ये फिक्स हो गया, कन्फर्म हो गया, और ये जो ज्ञान है उसके व्यवहार में आ गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार कौन से कारक हैं जो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो ये कहते हैं कि पूर्व ज्ञान आपके अधिगम को प्रभावित करता है। किसी चीज़ को लेकर आपको पहले से ज्ञान है और उसके बाद में आप उसको सीख रहे हो, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीखोगे और ज़्यादा अच्छा सीखोगे। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि सूझ का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, अर्थात प्राणी के अंदर उत्पन्न होने वाली जो सूझ है तो वो उसके उसको अधिगम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और गेस्टाल्टवादी बुद्धि को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि बुद्धि के अनुसार इंसान में जिस लेवल की बुद्धि होगी वो उसके सीखने को प्रभावित करेगी। प्रत्यक्षण भी क्या करता है? अधिगम को प्रभावित करता है। प्रत्यक्षण का मतलब होता है नाम पहचान व्याख्या, मतलब यदि किसी चीज़ का आपको नाम पता है कि ये चीज़ इस नाम की है, ये चीज़ ये है, फिर वो उस चीज़ को पहचान लेता है कि ये चीज़ इस काम आती है, और फिर वो उसकी यदि व्याख्या करने में सक्षम है तो हम कहेंगे कि उस प्राणी को उस चीज़ का क्या है? प्रत्यक्षण है। और नंबर 5, अभ्यास की जानकारी। यदि किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी कार्य है, उसको लेकर यदि किसी प्राणी को उसके अभ्यास की जानकारी है कि हम इसको इतना अभ्यास करेंगे तब हम इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे, तो ये अभ्यास भी उसके अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। और गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम है वो अकस्मात होता है, अचानक होता है, ठीक है, जबकि व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अधिगम है वो लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से उससे होता है। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आपके जीवन में कोई भी घटना अचानक से ऐसे घटित हो सकती है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। नंबर 6 पर गेस्टाल्टवादी बोलते हैं कि समस्या का पूर्णाकार में होना जरूरी है। अर्थात देखो, सामने से शेर का आना, ठीक है, और वहाँ पर पेड़ का होना, और इस आदमी के दिमाग में पहले से ज्ञान होना कि पेड़ पर चढ़कर जान बचाई जा सकती है, ये संपूर्ण सिचुएशन किसी नए व्यवहार को जन्म देती है, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन करती है, अर्थात अधिगम को जन्म देती है, अर्थात समस्या का पूर्णाकार में होना भी अधिगम के लिए आवश्यक है। समझ में आई बात? अब देखो, अब आगे इस सिद्धांत के विभिन्न नाम। गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है इसके कई नाम हैं। पहला, इसको गेस्टाल्टवाद कहते हैं, इसे समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखो, लेस्टर एंडरसन था। लेस्टर एंडरसन के अनुसार गेस्टाल्ट शब्द के लिए समग्राकृति, समरूप, प्रतिरूप, समग्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। देखो, कोहलर ने सुल्तान नाम के वन मानुष पर प्रयोग किया था, जो गेस्टाल्ट सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर सिद्धांत को सिद्ध किया था, तथा ये जो इसने प्रयोग किया ना, कोहलर ने भाई मैक्स वर्दिमर के सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप दिया, उस पर प्रयोग किया, तो वो सुल्तान नामक वन मानुष पर किया, और जो प्रयोग में क्या क्या हुआ इसका वर्णन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक थी उसमें किया, 1959 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया, ठीक है। अब देखो, कोप का कौन था? कोप का वो था जिसने गेस्टाल्ट सिद्धांत में जो मैक्स वर्दिमर ने दिया था उस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से 1925 में शोध एवं अभिलेख पत्र प्रस्तुत करके उसमें व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो कोप का कहता है कि जब एक प्राणी किसी भी व्यवहार का प्रत्यक्षण करता है, अर्थात उसको अच्छी तरीके से जान लेता है, तो वह होने वाले प्रत्यक्ष अनुभवों के कारण, जो वो प्रत्यक्ष अनुभव अपनी रियल लाइफ में अनुभव करता है, के कारण अपने व्यवहार में परिवर्तन को प्राप्त करता है, अर्थात उस वजह से उसके क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है व्यवहार में, और ये परिवर्तन ही अधिगम के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं बता दूँ इसके अनुसार, कि जब ये किसी प्राणी को किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान है और फिर उसको उस चीज़ को लेकर उसके लाइफ में रियल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इससे उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है, और ये व्यवहार में चेंज आना ही क्या है, अधिगम है, ये बात कह रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको समझ जाओगे आराम से। अब देखो,
इस सिद्धांत के समर्थन में, गेस्टाल्ट का सिद्धांत था, इसके समर्थन में जी डब्ल्यू आर ऑलपोर्ट था, गोल्डन बिलर्ड ऑलपोर्ट ऐसे है इसका नाम है, ठीक है, जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट, तो इसने भी प्रयोग किया था। इसने भी बताया कि केवल ये नहीं है कि केवल आप प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हो, मतलब बुद्धि का भी रोल होता है, सूझ का भी रोल होता है, हर चीज़ का रोल होता है। व्यवहारवादी मानते हैं कि सिर्फ अभ्यास करो, चाहे जड़ बुद्धि हो चाहे कोई हो, सब सीख जाएंगे, बाकी ये सूझ को और महत्व नहीं देते। तो जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट ने प्रयोग किया, उसने एक नर्सरी स्कूल के 44 बच्चे लिए, उन पर प्रयोग किया और इन बच्चों की 1.5 से 4 वर्ष क्या थी आयु थी, और उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर 2 कारक बताए। तो इसने प्रयोग क्या किया, इसने 1.5 से 4 साल के बच्चों का एक कोई 44 बच्चों का ग्रुप लिया, और उसमें इसने देखा कि जैसे मान लो क्लास में थोड़े से ऊंचाई पर उसने केले लटका दिए, ठीक है, तो क्या हुआ, तो मतलब जो छोटे बच्चे थे वो लगातार इनकी तरफ देख रहे थे, जबकि इनसे थोड़े बड़े थे उन्होंने टेबल रखी, टेबल पे कुर्सी रखी और उस पे चढ़कर वो फल प्राप्त कर लिए। तो ऐसे और कई इनको मतलब ऐसे दिए कि वो जोड़ने वाले खिलौने दिए, तो कई बच्चे नहीं जोड़ पाए, जबकि आयु के आधार पर जो जैसे 2 साल का नहीं जोड़ पाया लेकिन 3 साल के ने जोड़ दिया, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था उसको 4 साल के ने जोड़ दिया। तो ऐसे खूब प्रयोग किए और उसने इस आधार पर बताया कि एक तो आयु है वो अधिगम को प्रभावित करती है, मतलब आयु का पूरा पूरा रोल होता है ना, 1-2 वर्ष का बच्चे को जितना प्रैक्टिस करना पड़ता है सीखने के लिए, 3 साल के बच्चे को उतना प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है, तो ये एक आयु का भी मेजर रोल होता है अधिगम में। एक इसने ये भी बताया कि जंतु की अपेक्षा मानव में अधिक सूझ का होना, ठीक है, ये कह रहा है कि आप जंतु को लेते हो और कहते हो कि ये बिल्ली, व्यवहारवादी थोंडाइक ने प्रयोग किया ना कि आपने जंतु को ले लिया, बिल्ली है वो कितनी देर से मतलब वो उस लीवर पर पैर रखना और गेट को खोलना सीखती है, जबकि उसी की तुलना में मनुष्य का जो बच्चा होगा वो जल्दी सीख जाएगा, समझ के, मतलब जंतु की अपेक्षा मानव में अधिक सूझ होती है, ठीक है। तो इनके प्रयोग के अनुसार आयु के साथ साथ सूझ भी बढ़ती है। अब ये बिल्कुल जनरल बात है, अब आपको देख के लगता होगा कि जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट ने क्या नई बात कही, लेकिन इन्होंने इस इन सब चीज़ों को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया, इस वजह से ये पॉपुलर हो गई, ठीक है। अब देखो, ऑलपोर्ट ने नर्सरी स्कूल के बालकों पर प्रयोग करते हुए जब ये विचार दिया कि आयु के साथ साथ सूझ भी बढ़ती है एवं जंतुओं की अपेक्षा मानव संतानों में अधिक सूझ पाई जाती है, तो ये विचार गेस्टाल्टवाद में एक नया संचार था। अब इस गेस्टाल्ट सिद्धांत की कहाँ उपयोगिता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत बुद्धि को महत्व देता है, सूझ को महत्व देता है, आयु के साथ मतलब आयु अधिगम को प्रभावित करती है, ये सब फैक्ट है, वो इनकी उपयोगिता क्या है, तो देखो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है वो समस्या समाधान में उपयोगी है, कि समस्या समाधान अधिगम में उपयोगी कैसे, ये कहता है कि आप बच्चों को क्या दो, एक प्रॉब्लम दो और फिर वो बच्चे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने दिमाग की सूझ का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से उनमें अधिगम हो जाएगा, वो नई चीज़ें सीख जाएंगे। अब ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर भी बल प्रदान करता है, अर्थात सूक्ष्म अध्ययन का सिद्धांत देता है, मतलब ये पहले कहता है कि पहले कोई चीज़ को मोटे मोटे तौर पर सिखा दो, फिर उस चीज़ की बारीकियाँ सिखाओ, जिससे वो इंसान उस चीज़ में एकदम क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ये बात भी कहता है। ये पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने में भी उपयोगी है, ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि पहले पाठ्यक्रम को समग्र तौर पर बताओ कि बच्चों पूरी बुक पढ़ने के बाद हम ये चीज़ें सीख जाएंगे, अब इस चीज़ को सीखने के लिए ये 4 चीज़ें सीखनी होगी और इस चीज़ को सीखने के लिए ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें इन इन चीज़ों को इस क्रम में सीखते हुए हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने में भी ये उपयोगी है, जबकि जो सीएल हल का सिद्धांत था ना वो पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोगी है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है और कई बार ये डिफरेंस पूछा जाता है और ताकि हमारे विद्यार्थी कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। आगे देखिए, गणित और विज्ञान के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी, क्यों, क्योंकि गणित और विज्ञान में सूझ का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है और यह सिद्धांत सूझ को महत्व देता है, इसलिए यह सिद्धांत गणित और विज्ञान के शिक्षण में उपयोगी है। यह सिद्धांत चिंतन के विकास में योगदान देता है, क्यों, क्योंकि यह सिद्धांत सूझ पर बल देता है, सोचने समझने विचार करने पर बल देता है, तो ये चिंतन पर भी बल देता है। ये खराब आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों के निर्माण में भी उपयोगी है, क्यों, क्योंकि जब हम किसी कोई भी है प्राणी है उसको एक समस्या बता देंगे कि भाई देख ये खराब आते हैं इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उसको प्रॉब्लम दे दी तो वो उसको लेकर क्या करेगा, सूझ उत्पन्न होगी, वो विचार करेगा इस चीज़ के बारे में और फिर उसके गंभीर परिणाम यदि उसको बताए जाए तो वो उस खराब आदत को छोड़ देगा। आगे बात समझ में, तो ये था गेस्टाल्ट का सिद्धांत।
अब इस गेस्टाल्ट जो वादी हैं, गेस्टाल्ट वादी मतलब जो गेस्टाल्ट के सिद्धांत में बिलीव करते हैं, उन्होंने अपने क्या क्या सिद्धांत दिए उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। विद्यार्थियों, इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बाकी व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, और आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव हो क्लासों को लेकर, कंटेंट को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।